परिवहन नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों पर फाइन किया जा रहा है। करोड़ों की राशि हर माह परिवहन विभाग के खाते में जा रही है, जबकि इसकी वसूली ट्रैफिक पुलिस और पुलिस विभाग करती है, लेकिन फाइन वसूल करने वाले विभाग को बुनियादी सुविधाएं तक मयसर नहीं हो पा रही है। सिटी कॉरपोरेशन के जुबली भवन से पूरे रांची शहर की परिवहन व्यवस्था पर नजर रखी जा रही है। ये वही विभाग है जो यातायात के नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों पर नजर रखता है और चालान काटता है। इसके लिए कमांड रूम में कई सिस्टम भी लगाए गए हैं। शहर के हर चौक चौराहे पर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। यदि कोई उल्लंघन की बात सामने आती है तो उसे कंट्रोल रूम चालान करता है। रांची पुलिस और ट्रैफिक पुलिस जुर्माना वसूलती है, लेकिन जुर्माने की राशि परिवहन विभाग को जाता है। अभी तक चालान जो है हमारा 3 वायलेशन का जा रहा है, नो हेलमेट, रॉन्ग वे और स्पीड वायलेशन का। तो मई से शुरू हुआ है और अब तक करीब करीब 1,10,000 हम लोग NIC के पोर्टल पर डाल दिए हैं जो वायलेशन है। उसके बाद पुलिस के द्वारा उसका सत्यापन करके फिर चालान निर्गत किया जाता है। हम परिवहन विभाग की चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पुलिस और ट्रैफिक पुलिस को उस राशि से कोई लाभ नहीं मिलता। आज भी ट्रैफिक पुलिस सड़क के बीच में या सड़क के किनारे प्लास्टिक के तंबू में काम करने को बाध्य है। भारी दोपहरी और बारिश में भी ये ट्रैफिक वाले इसी तरह काम करते हैं और सारी सुविधाएं परिवहन विभाग को मिलती है। करेंटली यहाँ पे 4 टाइप्स ऑफ वायलेशंस को यहाँ से काटा जा रहा है, आपका नो हेलमेट, ओवर स्पीडिंग, रॉन्ग वे और आपका रेड लाइट का। तो हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया है ओवर स्पीडिंग, नो हेलमेट और रॉन्ग वे। तो आप जैसा कि इस स्क्रीन पर देख पा रहे हैं इन मैडम को, ओवर स्पीडिंग का चलान यहाँ पर जो है हमारा विभिन्न जगहों पर कैमरा लगा हुआ है और कैमरे के माध्यम से हमारे पास वायलेशंस आते हैं। उस वायलेशंस को यहाँ के ऑपरेटर्स वैलिडेट करके और NIC के पोर्टल पर पुश कर देते हैं, जो पुलिस के विभाग उसको चलान कट कर देते हैं। तो हमारे कैमरे इतने केपेबल है कि ANPR कैमरा जो हमारा है, ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन कैमरा, वो गाड़ियों का बहुत ही क्लियर नंबर प्लेट को कैप्चर करता है, एविडेंस कैप्चर करता है, जिसमें साफ साफ आप देख सकते हैं कि गाड़ी कितनी की स्पीड पे पार हुई है। और मेरे एक ऑब्जर्वेशन ये है कि जब हमने चालान काटना स्टार्ट किया तो बहुत ज्यादा वॉयलेशन हमारे पास आते थे, धीरे धीरे वॉयलेशन का काउंट कम भी हो रहा है। तो एक हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि लोग सतर्क हो रहे हैं। इस साल में अब तक 1,10,000 चालान काटे जा चुके हैं, लेकिन इससे वसूल होने वाली राशि का एक हिस्सा भी ट्रैफिक पुलिस को नसीब नहीं हुआ। चालान कटने से सरकार के विभाग को काफी कमाई हो रही है, जान की सुरक्षा तो लोगों की हो ही रही है, लेकिन सरकार का एक विभाग यानी परिवहन विभाग मालामाल भी हो रहा है। और इस कमाई में सबकी हिस्सेदारी होनी चाहिए, क्योंकि जो कंट्रोल रूम है उसके मेंटेनेंस पर भी सरकार खर्चा करती है और पुलिस विभाग को भी संसाधन से युक्त करने की जरूरत है। कैमरामैन विक्की के साथ राजेश कुमार, न्यूज 11 भारत, रांची। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज 11 भारत, सच है तो दिखेगा।